नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप इलेक्ट्रिक सामान का कौन कौन सा वो आइटम है जिसे ले करके और आप होलसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सामान का और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहले कौन से आइटम से शुरुआत करना चाहिए जिससे आपका मार्केट में बहुत अच्छा वैल्यू बन जाए और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सके इलेक्ट्रिक सामान में, तो आज इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सा आइटम है जिसे ले करके और आप अपना होलसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तीन आइटम के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा बिकता है, हर दुकान पर सेल है, हर किराना दुकान पर सेल है, हर जगह सेल है। तो सबसे पहले तीन आइटम में देखिए, आप एक टेप रख सकते हैं, दूसरा इस तरह का जो प्लग आता है वो रख सकते हैं और तीसरा ये होल्डर आता है ये रख सकते हैं। तीन आइटम सबसे पहले ही हो गया। उसके बाद चौथा आइटम में देखिए, इस तरह का जो ये टेस्टर आता है, आपको एक और टेस्टर दिखाते हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होता है। देखिए इस तरह का डिब्बा में आता है ये और ये दोनों साइड आता है, देखिए प्लस माइनस, और ये बहुत ही अच्छे रेट में बिकता है। ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका तीन और दो पाँच आइटम ये हो गया। फिर आप इस तरह का जो गुल्ली आता है ये भी हर दुकान पे सेल है। ये गुल्ली आता है वायरिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे पहले ये, ठीक है। उसके बाद से ये 8 mm का काजू पिन या 8, 7, 5, 6 ये सारा काजू पिन अपने हिसाब से पैकिंग करवा लें, थोड़ा कम पैकिंग करवा लें और मार्केट से कंपटीशन करना है तो उस हिसाब से अच्छे रेट पर इसको आप दे सकते हैं अगर आप अपना खुद का पैकिंग करवा रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद इस तरह का जो केसिंग काट आता है जो पोस्टर ठोकने के भी में काम आता है और वायरिंग में भी सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो पहले बात करेंगे जैसे टेप के बारे में, जो टेप आपको दोस्तों अलग अलग वैरायटी मिल जाता है, आपको 120 रुपये डिब्बे का भी मिल जाता है, थोड़ा अच्छे क्वालिटी में जाएंगे तो 140-150 रुपये डिब्बे का भी मिल जाता है, जो 200 रुपये से लेकर के 170 रुपये तक सेल होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपका अच्छा मार्जिन मिल जाता है, 40-50 रुपये का आपको मार्जिन मिल जाता है। उसके बाद इस तरह का जो होल्डर आता है इसके बारे में बात करेंगे, तो होल्डर दोस्तों आपको होलसेल में 100 से लेकर के 110 रुपये डिब्बे तक का मिल जाता है, जो आपको मार्केट में 130 से लेकर के 150 रुपये तक का बिकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लक आता है दोस्तों, प्लक आपको 80 से लेकर के 90 रुपये डिब्बे तक का मिल जाता है, जो होलसेल में 120 से लगा करके 110 रुपये डिब्बे तक का बिकता है। उसके बाद एक 2-in-1 पेज का जो टेस्टर आता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा बिकता है, ये आपको होलसेल में 180 से लगा करके 190-170 रुपये डिब्बे तक भी मिल जाता है, जैसा आपका क्वांटिटी हो, और ये आपको मार्केट में 240 से लगा करके 250 रुपये डिब्बे तक बिकता है। उसी में दोस्तों जो इस तरह का टेस्टर आता है, इसमें आपको 2 से 3 वेरायटी मिल जाता है, ये आपको 9 रुपये से लगा करके 8 रुपये तक का भी मिल जाता है, जो मार्केट में 10-12 रुपये सेल होता है। करेंगे इस तरह की केसिंग काटी के बारे में और इस तरह का ये जो काजू जो पिन और जो ये गुल्ली सुली आता है इसके बारे में, तो ये आपको बहुत ही सस्ते रेटों पर मिल जाता है, 70-80 रुपये 90 रुपये पैकेट में मिल जाता है, अलग अलग वेरायटी में जैसा आप पैकिंग करवा रहे हैं, और इसमें आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। ये आपको अपने मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे 20-25 रुपये डाउन करके आप बेच सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो दोस्तों आप ये 4 से 5 आइटम ये हो गया, और गुल्ली और केसिंग काट ये सब उठा करके आप 10-12 आइटम उठा करके और आप अपने मार्केट में सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में और आपको अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।